अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टडी के रिलेटेड कि आखिर हम सब स्टूडेंट जानते हैं कि स्टडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें करनी भी चाहिए, लेकिन फिर वही क्वेश्चन कि हम कर क्यों नहीं पाते। मोस्टली मैं मेजोरिटी की बात करूँगा, वो चाहते हैं कि हम पढ़ें, लेकिन जो है वो फोकस नहीं हो पाता। दो मिनट बैठते हैं, बुक्स लेके नींद आ रही है, कभी कहते हैं यार उठ जाता हूँ पानी पी के आता हूँ, कभी कहते खाना खा लूँ फिर पढ़ूँगा, फिर अचानक मोबाइल पे एक मैसेज आता है और चलो दो घंटे के लिए बुक्स को फारग किया, साइड पे रख दिया। ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा होता क्यों है? अबाउट 80-90% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। इसकी वजह यह कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अब देखें, क्या जब मोबाइल यूज़ करना हो, फेसबुक यूज़ करनी हो या फिर व्हाट्सएप यूज़ करना हो, तो किसी से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, कभी नहीं पड़ेगी। बल्कि वो हम कहेंगे कि यार कोई घंटा और चला लूँ, फिर उधर से वालदा की आवाज़ आएगी इन्हें मानू रख दियो। फिर क्या होता है कि फिर भी छुप के मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। ये मैं मोस्टली घरों की बात कर रहा हूँ, इस तरह होता है। तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ हमारा इंटरेस्ट है, हम थक नहीं रहे, सारा दिन यूज़ करते रहेंगे, एक पोजीशन में लेट के थक जाएंगे, कभी करते यूँ और कर रहे हैं, कभी यूँ कर रहे हैं, कभी सीधा होके लेट रहे हैं, कभी उल्टा होके लेट रहे हैं। लेकिन जब स्टडी की बारी आती है, कंफर्टेबल माहौल है, फिर भी बेचैनी सी लगी रहती है। तो इसके क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि हमारा जो गोल है, गोल सेटिंग नहीं होती। वो चीज़ जो हमने हासिल करनी है वो हमने फिक्स की नहीं होती, हमने अपना टारगेट नहीं रखा होता, हमने अपना मार्जिन नहीं फिक्स किया होता। भाई अगर कोई गोल फिक्स करेंगे तो उसके लिए स्ट्रगल भी करेंगे, समझ रहे मेरी बात को? जब कोई गोल या कोई गोल नहीं है, कोई हमने मंजिल फिक्स नहीं की, तो फिर हम कैसे उसकी तरफ बढ़ेंगे? तो गोल सेटिंग होनी चाहिए पहले। जब गोल सेटिंग होगी तो ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा, और जब इंटरेस्ट पैदा होगा कुछ करने का, तो क्या होगा, हमारा फोकस जो है वो स्टडी की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या जो मोटिवेशन है, जो ये बातें हो रही हैं इधर उधर के जी ऐसा करें वैसा करें, मोबाइल को साइड पर आते हैं, ऐसे 100 तरीके मिलेंगे आपको। आप गूगल खोलें और लिखें कि स्टडी पे फोकस किस तरह किया जाए, वो कहेंगे जी मोबाइल को साइड पे रख दें, साइलेंट पे लगा दें, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको, उनमें डिस्टरबेंस जो है वो ना हो, अपना जो टाइम टेबल है उसको सेट कर लें, ये वो। लेकिन ये जो मोटिवेशन वगैरह है, आपको दो मिनट के लिए तो जक लगेगा, अरे भाई मैंने कुछ कर देना है, अब पीछे हट जाओ सारे, मैं कुछ करने लगा हूँ आज, तो बस मैंने किताबें फाड़ देनी है पढ़ पढ़ के। लेकिन फिर यूं ही एक दिन गुजरता है, एक घंटा गुजरता है, एनर्जी डाउन, फुल डाउन, और फिर वही पुरानी रूटीन। तो जब तक हमारी कोई गोल सेटिंग नहीं होगी, हमारा कोई टारगेट नहीं होगा, हम फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरा कोई पॉइंट गलत लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।